नगर विधायक मनीष असीजा पहुंचे जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह थाना रसूलपुर क्षेत्र प्रेम नगर गोली मार्च किशोरी की हत्या मामले में परिजनों से मिले न्याय का दिलाया पूरा भरोसा। मौके पर एसएसपी थाना प्रभारी सिरी की बात। फिरोजाबाद बीते देर रात थाना रसूलपुर क्षेत्र प्रेम नगर डाक बंगला गली नंबर 2 में हुई 16 वर्षीय छात्रा ईशुचक की हत्या के बाद आज सुबह पोस्टमार्टम गृह पर नगर विधायक मनीष असीजा पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्यवाही कराते हुए पूरे न्याय का भरोसा दिलाया। मौके पर ही एसएसपी सचिन पटेल व थाना प्रभारी रसूलपुर से मामले को लेकर बात भी की, साथ ही दुखी इस घड़ी में परिजनों को साथ बना भी दी। ये बड़ी गंभीर बात है। श्री विजय राठौड़ जी की 16 वर्षीय बेटी, जिसको ईशु राजौरिया के नाम से जाना जाता था, अजय की बिटिया, ये माता प्रसाद कलावती में कक्षा 12 की छात्रा थी और प्रेम नगर डाक बंगला गली नंबर 2 की निवासिनी थी। पूर्व में भी बताया गया है कि ये जो एक मनीष यादव नाम का एक दबंग लड़का है, अपने साथियों के साथ बिटिया को परेशान करता था। एक महीने पहले भी घटना चक्र हुआ था, लेकिन उस समय इस बात को आया गया कर दिया गया। पीड़ित परिवार का बताना हुआ है मुझसे कि कल रात को 12 बजे लोगों ने घर पर आके गोली से बिटिया की हत्या कर दी है, सिर पर गोली लगी है। मैं परिवार के बीच में उपस्थित होकर उनको सांत्वना धैर्य प्रदान करने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। साथ ही मैंने पुलिस कप्तान साहब से भी बात करी है और जो इसका मुख्य आरोपी मनीष यादव बताया जा रहा है वो गिरफ्तार भी हो गया है। इसके अतिरिक्त SC ST केस के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पीड़ित परिवार को राहत धनराशि के लिए प्रपोजल देने का भी मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है। कुल मिला के हत्यारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो और दोषी किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाए, चाहे उनका कितना भी प्रभाव हो, लेकिन अपने प्रभाव के कारण से या किसी अन्य कारण से पीड़ित पक्ष के न्याय मिलने में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए मैंने पूरी तरह परिवार को आश्वस्त किया है और ऊपर भी SSP साहब से मेरी बात हो गई है, SP CT से बात हुई है। लगातार मैं परिवार के संपर्क में रहूँगा और पीड़ित परिवार को पूरी तरह न्याय मिले इसको सुनिश्चित कराने का।